स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे तो सियासत गर्मा गई। उनके लिए आरक्षित कुर्सी खाली पड़ी रही और अब उस कुर्सी की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है। जब इस मामले में मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में कुछ समस्या थी, इस वजह से उनका जाना मुश्किल था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने कार्यालय पर भी ध्वजारोहण करना था, ऐसे में लाल किले से समय पर वापस आना संभव नहीं था। कांग्रेस के मुताबिक भी सुरक्षा कारणों से मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल नहीं हुए। पार्टी ने बयान में कहा कि अगर वह लाल किले के समारोह में शामिल हुए होते तो वह अपने घर और पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं हो पाते। वह सुरक्षा कारणों से लाल किले के समारोह में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, वह पहले नहीं जा सकते थे। सुनिए इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, उस मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से, फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था। और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। इस बयान के बाद भी सियासी तीर थम नहीं रहे। खड़गे ने जो सफाई दी है वह भाजपा के गले नहीं उतर रही। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिन पानी मछली तड़प रही हो। सुनिए अनुराग ठाकुर की बात। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया। कल देश की जनता को राक्षस कह के कांग्रेस ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता को कैसे देखते हैं। अब आजादी के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब वो सत्ता में थे तब उनकी सोच क्या थी, आज विपक्ष में बैठे हैं तो वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़प। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी कब तक चलती है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।